हेलो दोस्तों मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 18 अगस्त दो की सेकंड शिफ्ट के जीके के प्रश्नों के बारे में दोस्तों अब तक पाँच से छः शिफ्टें यहां पर कंप्लीट हो चुकी हैं और अब यहां पर क्वेश्चन दो से तीन क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हुए हमें दिख रहे हैं और साथ ही साथ ये पता चल रहा है कि किस प्रकार के पैटर्न से क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा जा रहा है जैसे कि आप एन का जनरल साइंस अवश्य पढ़कर जाइए एग्जाम से पहले छः से सात क्वेश्चन आपको या फिर या फिर चार से पाँच क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के एन के आपको पक्का देखने को यहां पर हर प्रैक्टिस सेट में सॉरी शिफ्ट में मिल रहे हैं ठीक है तो आप इस वीडियो को देखकर एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि आने वाले समय में आपको किस प्रकार की बुकों को पढ़कर पढ़ना पढ़कर जाना चाहिए और करंट अफेयर में क्या क्या देखना है ठीक है ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी एग्जाम 18 अगस्त 2022 का सेकंड शिफ्ट के ये क्वेश्चन है दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि गन्ना उत्पादन में पहला देश कौन है यानी कि गन्ना उत्पादन में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है तो आंसर है इसका ब्राजील क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनाया कि फाइट फायर फाइटर के कपड़े किसके बने होते हैं तो याद रखिएगा फायर फाइटर के कपड़े ये एसबेस्टस के बने होते हैं देखिए जितने भी समाज हैं ब्रह्म समाज आर्य समाज यहाँ आत्मीय सभा यहाँ से एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में बैठ रहा है ठीक है कल भी ये क्वेश्चन बने थे और आज बना कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने करंट से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सी वर्तमान में कौन है तो जी सी मुर्मू ठीक है ये कंपो एंड ऑडिटर जनरल है ठीक है चेरनोवेल परमाणु घटना का सन पूछा गया यहाँ पर एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि चेरनोबिल परमाणु घटना का क्वेश्चन यहाँ पर था याद रखिएगा ये यूक्रेन से संबंधित है इसलिए ये चर्चा में है और ये इसका सन है उन्नीस की यह परमाणु घटना है फॉर्मूला अभी तक पाँच से छः शिफ्ट हो चुकी हैं और हर शिफ्ट में एक केमिस्ट्री से आपको फॉर्मूला देखने को मिल रहा है और इस सेकंड शिफ्ट में बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा गया जो कि NaHCO3 होता है स्पोर्ट से हर एक शिफ्ट में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बार बार क्वेश्चन के बीच में कि क्या क्या आपको पढ़ के जाना है देखिए स्पोर्ट्स में क्वेश्चन बन रहे हैं प्लेयर से बन रहे हैं ठीक है और इस शिफ्ट में मैं आपको बता दूँ खास तौर पर मेरी स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमको कॉमनवेल्थ के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं यानी कि कॉमनवेल्थ एग्जामिनर को पता था कि कॉमनवेल्थ यहाँ एग्जाम से पहले हो जाएगा पूरा और उसने पहले ही वहाँ से क्वेश्चन सेट कर रखे हैं ठीक है ना तो देखिए स्पोर्ट्स से पूछा गया दो हज़ार बाईस में संतोष ट्रॉफी किसने जीती तो ये जीती थी केरला ने मीनाक्षी मंदिर देखिए मंदिर पूछे जा रहे हैं ठीक है स्ट्रेटेजी के यहाँ से बन रहा है काफ़ी ज़्यादा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है तो मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु में है आर्टिकल आर्टिकल तो हर एक शिफ्ट में एक से दो पूछे जा रहे हैं एक या दो आर्टिकल पक्का आपके आ रहे हैं ठीक है और इस सेकंड शिफ्ट में पूछा गया आर्टिकल सत्रह का संबंध किससे है तो ये है अस्पृश्यता का अंत से और इम्पोर्टेंट है आप इसको बार बार प्रैक्टिस सेट में पढ़ते भी हैं पेपर कुछ बच्चे कह रहे हैं पेपर कठिन है कुछ कह रहे हैं सरल है लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन वही है जो बच्चे सरल क्वेश्चन हमेशा दिमाग में हमारे याद रहता है मतलब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद कि हाँ भाई हमने ये सात आठ क्वेश्चन हमने ये पढ़े थे लेकिन कठिन क्वेश्चन होते जो हार्ड होते मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन वो बच्चे याद करके बाहर हर कोई स्टूडेंट बता नहीं सकता आपको ठीक है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का पेपर भी है ठीक है यदि मान लीजिए दस क्वेश्चन हैं तो चार हल्के हैं यानी कि ईजी हैं और छः कठिन तो कठिन क्वेश्चन अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी याद करके बाहर नहीं आ सकते ठीक है ना अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बनता है अगला कि भारत के चुनाव आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार ठीक है बहुत से बच्चे कह रहे हैं बहुत से बच्चों ने बताया कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष पूछे गए नहीं लेकिन क्वेश्चन ये बना था कि भारत के चुनाव आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार हैं इन्होंने किसका स्थान लिया तो इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया था ठीक है देखिए मेरा दो या तीन स्टूडेंट से पूछा वो कहते हैं कि फीफा का फुल फॉर्म पूछा गया और कुछ कह रहे हैं कि फीफा का मुख्यालय पूछा गया ठीक है ना तो यहाँ पर थोड़ा डाउट है लेकिन आप याद रखिएगा फीफा से क्वेश्चन बन रहा है फुल फॉर्म अगर फुल फॉर्म पूछा गया तो फुल फॉर्म आप बता सकते हैं और यहाँ मुख्यालय स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मुख्यालय पूछा गया तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है आर्टिकल फोर्टी एट भी पूछा गया देखिए दो आर्टिकल आ गए इसी में आर्टिकल सत्रह और आर्टिकल एक सौ अड़तालीस आर्टिकल एक सौ अड़तालीस संबंध है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से इसके बाद क्वेश्चन है करंट से हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल 2022 में कौन सा देश मुख्य अतिथि था तो ये था यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम फिर से देखिए क्वेश्चन बना है स्पोर्ट्स से ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता तो ये जीता लक्ष्य सेन ने राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था ठीक है ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि अनुच्छेद तीन संबंध किससे है लेकिन जहां तक है मैंने इसको देखा क्वेश्चन को तो राजभाषा का अनुच्छेद ये तीन है ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिनियम का वर्ष पूछा गया था यह वर्ष है उन्नीस सौ तिरसठ शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को लेकर थोड़ा डाउट है कि क्वेश्चन तो यह कि, ये बना था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या फिर कि दो हजार इक्कीस बाईस में किसको मिला है ठीक है लेकिन आप याद रखिएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से क्वेश्चन बना है ठीक है तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है करंट से क्वेश्चन बनाइए राष्ट्रीय बहुयामी या, बहु निर्धनता सूचकांक में सबसे गरीब राज्य कौन सा है तो ये है आपका केरल सॉरी बिहार बिहार सामान्य परिस्थिति में ब्लड प्रेशर होना चाहिए साइंस देखिए प्रैक्टिस सेट जब हम लगाते हैं ग्रुप डी के तो ये क्वेश्चन हमको नॉर्मल देखने को मिलते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं सामान्य परिस्थिति में ब्लड प्रेशर होना चाहिए एक सौ खीरा उत्पादन में सबसे अधिक निर्यात सबसे अधिक कौन सा देश है सबसे अधिक उत्पादन करता है दोस्तों चाइना ठीक है विटामिन तो हमेशा एक एक ना एक विटामिन कहीं ना कहीं सेहट शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है ठीक है विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा इस बार रेटिनॉल होता है जो कि ठीक है योजना आई है एक प्यूरा प्यूरा का फुल फॉर्म क्या है तो उसका फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन टू रूरल एरियाज ठीक है चाणक्य का दूसरा नाम पूछा गया अब डिपेंड करता है है ऑप्शन में में क्या था आपके एग्जाम या फिर विष्णुगुप्त ठीक चाणक्य का दूसरा नाम पूछा गया शक्ति का मात्रक आया है, फिजिक्स से देखिए शक्ति का मात्रक वाट ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं आए होंगे लेकिन आप सोच के देखिए जब कोई बच्चा शिफ्ट से बाहर निकल के आएगा तो क्या वो आपको बता सकता है कि, कि किस प्रकार का फिजिक्स का न्यूमेरिकल आया था बहुत ही कम बच्चे बता सकते हैं लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को याद रहते हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एनालिसिस में देखिए अगला है सबसे पुराना शहर कौन सा है तो ये है जेरिको फिलिस्तीन और भारत की बात करें तो वो है बनारस ठीक है वाराणसी सॉरी आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला पूछा गया यहाँ पर आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला हो ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई न्यूटन का तृतीय नियम के बारे में क्वेश्चन बना था क्या होता है ये क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया ठीक है भारत में सबसे ज्यादा एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं कहाँ पर गुजरात में